दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2021 का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को चेन्नई और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा और आपको बता दें कि इस मैच में दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने का मन बना रही हैं और एक कांटे का मुकाबला होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें अंतिम गेंद तक हार नहीं मानती हैं। और ऐसे में आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले को लेकर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भविष्यवाणी कर दी है और बताया है कि कौन सी टीम इस बार के आईपीएल में खिताब को अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सौरव गांगुली ने अपने बयान में क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि चेन्नई और कोलकाता की टीम में से कौन सी टीम आईपीएल का खिताब अपने नाम करेगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की ट्रॉफी किसके नाम होगी, इसका फैसला 15 अक्टूबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है, जहां तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होना है। एमएस धोनी की टीम काफी संतुलित लग रही है और टीम का टॉप ऑर्डर कमाल की फॉर्म में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर योन मॉर्गन की अगुवाई में केकेआर को यूएई की धरती काफी रास आई है और दूसरे लेग में टीम की एकदम से मानो किस्मत ही पलट गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी सौरव गांगुली का मानना है कि माही के सीएसके आईपीएल 2021 का खिताब अपने नाम करने में सफल रहेगी। एक लाइव टीवी शो के साथ बातचीत करते हुए गांगुली ने कहा कि केकेआर की टीम काफी लकी रही है कि वो फाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही, लेकिन चेन्नई ज्यादा बेहतर टीम नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कोलकाता की टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज तो फॉर्म में हैं और साथ ही वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है। इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत ही कोलकाता की टीम आईपीएल के फाइनल तक पहुंचने में सफल रही है। साथ ही उनके गेंदबाजों ने भी जोरदार प्रदर्शन करके दिखाया है, चाहे वो सुनील नारायण हो या फिर वरुण चक्रवर्ती, दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। परंतु केकेआर के खराब फैसले और इयान मॉर्गन और दिनेश कार्तिक की फॉर्म उनका काम खराब कर सकती है, क्योंकि मॉर्गन और कार्तिक से केकेआर की टीम को बहुत उम्मीदें हैं परंतु वो इस बार के आईपीएल में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि केकेआर की टीम शायद इस मैच में हार जाए। दोस्तों, इतना ही नहीं, सीएसके की तारीफ करते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि सीएसके काफी अच्छी लय में दिखाई दे रही है और काफी शांत है। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धोनी पिछले मैच में बढ़िया टच में नजर आए थे और उन्होंने टीम की कप्तानी भी शानदार तरीके से करी थी और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के खिलाफ अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 18 रन बनाकर मैच को जिताया वो बेहद ही काबिले तारीफ है। मुझे उम्मीद है कि महेंद्र सिंह धोनी फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और अपनी टीम को जीत दिलाने के साथ ही साथ उनके बैट्समैन भी लय में हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा ने जिस तरह से क्वालिफायर में बल्लेबाजी करी थी उसने तो सभी को हैरान करके रख दिया था। दिल्ली जैसी खतरनाक टीम को हराकर फाइनल में पहुंचना कोई आम बात नहीं है, परंतु कोलकाता की टीम भी दिल्ली को ही हरा कर आई है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया था उसको देखते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स जीत सकती है। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार कौन सी टीम आईपीएल अपने नाम करेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।